नमस्कार, इंटरटेन न्यूज में आपका स्वागत है। ससुराली जिन्होंने से न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर गर्भवती महिला। ससुराली जिनों पर घर से निकालने का लगाया आरोप, देवर ने की जान से मारने की धमकी। वीडियो में ससुराल वालों की दबंगई हुई रिकॉर्ड। मामला फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र नकला भाव की रहने वाली रजनी यादव का है। रजनी की शादी 11 माह पूर्व 30 जून 2020 को श्याम सुंदर निवासी इंदिरानगर थाना उत्तर के साथ पूर्ण रीति रिवाज के और दान दहेज देकर हुई थी। शादी के 8 महीने बाद जब रजनी प्रेग्नेंट थी तो रजनी का भाई आदित्य जब बहन को ससुराल छोड़ने गया तो ससुराली जनों ने दोनों बहन भाई को घर में घुसने नहीं दिया और कहा कि इस बच्चे को गिरा दो, जिस पर रजनी तैयार नहीं हुई। ससुराली जनों ने मारपीट कर भगा दिया। हालांकि कई बार परिवारी जनों एवं रिश्तेदारों के साथ बातचीत हुई लेकिन हर बार नतीजा नहीं निकला। हालांकि महिला ने कोर्ट में केस कर दिया है। वहीं भाई बहन ने ससुराली जनों पर आरोप लगाया है कि जब वह ससुराल गई तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट थाना उत्तर में दर्ज करा दी गई। जबकि कई बार रजनी पुलिस के चक्कर काट चुकी है लेकिन पुलिस हर बार कार्रवाई की बात कहकर टाल देती है। आपका? मेरा नाम आदित्य यादव है। अभी 30 जून को पिछले साल लॉकडाउन में 2020 में मेरी बहन की शादी हुई थी। ठीक है, शादी के बाद से ससुराल वालों ने साथ वही घरेलू हिंसा वाली चीज़ें शुरू कर दें। ये प्रेग्नेंट थी, 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो सास ने इसे बोला कि अबॉर्शन करवा लो। इसने अबॉर्शन कराने से मना करा तो सास से खाना वाना देने से मना करने लगी। घर में डॉक्टर ने दूध वगैरह रिकमेंड करा था, वो मना कर दिया। हस्बैंड से मारपीट चालू कर दी। ठीक है, और बार बार बोलते थे कि घर चले जाओ, अपने घर जाके रहे, यहाँ मत रहे। उसे घर से निकाल दिया कर दी थी। एक दिन 16 तारीख को इसे घर से निकाल दिया, तो उसके 1-1.5 महीने बाद मैं इसे वहाँ छोड़ने गया। 17 तारीख 4वें महीने में मैं इसे छोड़ने गया तो मेरी आंखों के सामने इसके साथ मारपीट करी। ठीक है, और सभी मतलब वहाँ ससुराल वाले थे, तो एक जन आया, उसने ना इसके हाथ में चाकू मारा, उनकी फैमिली में से जान से मारने की कोशिश करी। ठीक है, और हम लोगों को घर से निकाल दिया। हमने नज़दीकी थाने में, जो वहाँ थाना उत्तर लगता है, उसमें अपना मुकदमा दर्ज कराया। पर तब से लेके अब तक कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ये 9 महीने से प्रेग्नेंट है, वहाँ डेली हम लोग आ जा रहे हैं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सी ओ सर को बोला, सी ओ सर ने भी वहाँ बोला कि उन्हें पकड़ो, जेल भेजो, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करो। एक दो दिन बोल के वो हम लोग को टहला रहे हैं पर कोई भी अब तक सुनवाई नहीं हुई है। डेली जा के परेशान है, कुछ नहीं हुआ अब तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी यादव है। मेरी शादी 30 जून 2020 को इंदिरा नगर में मुकेश चंद्र के बेटे श्याम सुंदर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले जो दहेज दिया था उसे खुश नहीं थे और मेरे साथ मारपीट करते और मुझे 8 महीने ही हुए थे शादी को और मुझे घर से निकाल दिया। मैं प्रेग्नेंट थी और उसके बाद मैं 4 महीने से अपने घर पर ही हूँ। मेरी शादी को अब 11 महीने हो गए। 4 महीने से मैं न्याय के लिए भटक रही हूँ लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं 9 महीने की अभी प्रेग्नेंट हूँ और मैं अभी 2 महीने पहले 17 अप्रैल को अपने ससुराल वापस गई थी रहने के लिए, तो मेरी ससुराल वालों ने, देवर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और ससुराल वालों ने मेरे भाई को भी मारा और मारपीट करके हमें घर से निकाल दिया। और जब मैं मुकदमे के लिए गवाह वो धबरी गई थी 164 के बयान देने के लिए, तो मेरे पति ने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। 4 महीने हो गए। मैं से मारा था पति ने बाइक, मैं अपने भाई के साथ आ रही थी तो बाइक में लात मार दी जिससे मैं गिर गई और मेरे पूरे चोट आई, मेरे भाई के भी चोट आई और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मेरे देवर ने चाकू से मारा था मुझे जो मेरी बाजू पे लगा और वो लोग मुझे। कितने महीने से आप गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं? मैं 9 महीने से गर्भवती हूँ। मैं दर दर भटक रही हूँ लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको जेल भेजा जाए क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी डिलीवरी का टाइम है, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गई हूँ और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी।